दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने 4000 से अधिक वीडियोस बनाई हुई हैं। इसके अलावा डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से 200 से अधिक कोर्सेज हमारे बनाए हुए हैं, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। तो इस जगह आपको देखिए पीजीटी इकोनॉमिक्स का कोर्स मिलेगा, यूजीसी नेट का कोर्स आपको मिल जाएगा, इसके अलावा यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स हमारे पास है, और यूजी और पीजी यानी कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी से अगर आप यूजी और पीजी कर रहे हो तो भी वो कोर्स हमारे पास है। इन सबके लिए आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसको डाउनलोड कर लेना चाहिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है संगणना तथा न्यायदर्श विधि। तो डिटेल में बच्चों हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आपको न्यायदर्श की विधियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ NSSO की क्या भूमिका है, किस तरीके से जनसंख्या को कैलकुलेट किया जाता है, तमाम टॉपिक जो है वो इस वीडियो के माध्यम से यानी कि आने वाले वीडियो के माध्यमों से हम आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इनमें से कुछ वीडियो जो है वो हमारी प्राइवेट वीडियो हैं, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में ही मिलेंगी। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज इन सब का एंजॉय कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि सांख्यिकी अनुसंधान की जो दो विधियाँ होती हैं, संगणना और न्यायदर्श विधि, उन दोनों में क्या क्या मतलब मीनिंग क्या है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है और क्या क्या इनके दोनों में अंतर है। तो देखिए संगणना विधि को बोलते हैं हम, इसको एक तरीके से बोल सकते हैं सेंसिस मेथड, इंग्लिश में सेंसिस बोलते हैं। यानी इसमें देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक वर्ड आता है जनसंख्या, जैसे यहाँ लिखा हुआ जनसंख्या, या समग्र भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जनसंख्या का मतलब पॉपुलेशन से, तो इंग्लिश में तो पॉपुलेशन ही है, लेकिन वो वाली पॉपुलेशन नहीं है भारत की जनसंख्या, ए वाला मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे लिए स्कूल का मुझे कोई सर्वे करना है और उस स्कूल में मान लीजिए 2000 बच्चे स्टूडेंट हैं, तो मेरे लिए जनसंख्या का मतलब 2000 से है। तो इसके अंदर मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि स्कूल के कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में पर्याप्त मात्रा में खाना उपलब्ध नहीं है, यानी कि जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिनके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है, ठीक है, ताकि मिड डे मील योजना को हम विस्तार कर सकें। क्योंकि मिड डे मील योजना मान लीजिए पहली क्लास से छठी क्लास या आठवीं क्लास तक है और हम चाहते हैं उसे 12वीं तक लेके जाना। तो अब एक सर्वे करना है जिसमें हमें पता चलाना है कि 1 से लेकर 12वीं तक के कितने बच्चों को मिड डे मील की ज़रूरत है। हम मतलब रेंडमली हम पता कर सकते हैं या हम पता कर सकते हैं सेंसिस मेथड से, तो वो हम पता करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने संगणना विधि यूज़ की, यानी कि हम क्या करेंगे, 2000 बच्चों को हमने सैंपल मान लिया है अपना, और 2000 के 2000 बच्चों से हम आंकड़े इकट्ठे करेंगे और उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या पहली क्लास से 12वीं क्लास तक मिड डे मील योजना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यानी कि संगणना विधि वह विधि है जिसमें किसी अनुसंधान से संबंधित समस्त जनसंख्या की प्रत्येक मत से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। यानी कि 2000 के 2000 लोगों से पूछा जाएगा कि क्या आपको भोजन की ज़रूरत है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, पिताजी कितने पैसे कमाते हैं, यानी कि जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे हम सारे के सारे इन 2000 के 2000 लोगों से ही पूछेंगे। तो इस विधि को बोलते बच्चों संगणना विधि। यानी कि इस विधि में क्या किया जाता है कि जितनी भी पॉपुलेशन है उन सभी पॉपुलेशन को हम उन्हीं सब पॉपुलेशन से हम डेटा इकट्ठे करते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। जबकि न्यायदर्श विधि में क्या होता है बच्चों, न्यायदर्श विधि में क्या होता है, देखिए हम 2000 के 2000 लोगों से सैंपल नहीं लेंगे, बल्कि 2000 में से हम क्या करेंगे, अब कौन सा भी मतलब तरीका हो सकता है, हम मान लीजिए 100 इकाई हमने चुन लिया, 100 स्टूडेंट हमने चुन लिए। अब उसका आधार क्या होगा बच्चों 100 चुनने का, उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर मान लीजिए हमने 100 स्टूडेंट का चुनाव कर लिया। अब इस 100 स्टूडेंट में से जो निष्कर्ष निकाला जाएगा वो पूरी की पूरी जनसंख्या पर लागू कर दिया जाएगा, यानी कि 2000 के बच्चों को जरूरत है या नहीं है इसका तय करने का काम ये 100 बच्चे ही करेंगे। यानी कि सैंपलिंग मेथड, जैसे मान लीजिए आप खाना बनाते हो तो खाने में आपको ये पता करना है कि चावल पके हैं कि नहीं पके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चावल का 1 या 2 दाने उठाओगे, उनको मसल के देखोगे कि वो पके हैं कि नहीं पके, अगर 2 के 2 दाने पक गए तो आप मान लोगे कि पूरा का पूरा चावल पक गया। तो ये सिंपल मेथड है। इसी तरीके से मान लो आपके ब्लड में टेस्ट करना हो, कोई बीमारी है या मान लो हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, तो सारा का सारा खून तो निकाला नहीं जाता, आपकी कुछ खून की बूंदों के आधार पर तय कर दिया जाता है कि आपके शरीर में कौन सी स्थिति चल रही है। यानी कि न्यायदर्श विधि में जनसंख्या की कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को चुन लिया जाता है और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो पूरी की पूरी जनसंख्या पर लागू कर दिया जाता है। यानी कि इस विधि में तो हम क्या करेंगे, 2000 के 2000 लोगों से ही क्वेश्चन पूछेंगे, और इस विधि में 2000 लोगों के क्वेश्चन 2000 में से पहले उन 100 लोगों को चुनेंगे और 100 लोगों के आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो पूरी की पूरी व्यवस्था में या पूरी की पूरी जनसंख्या पर लागू कर दिया जाएगा। यानी कि बच्चों सिंपल शब्दों में अगर हम कहें, मतलब मुझे अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाना है,
तो ये विधि जो है वो तब उपयुक्त मानी जाती है जब आपकी जनसंख्या की जो विशेषताएं, मान लीजिए आपको, आपने मान लीजिए बच्चे जैसे स्टूडेंट हैं उनकी विशेषताएं अलग अलग हैं, या मान लीजिए आपने चावल बनाए, दाल बनाई, दाल भी आपने 20 तरीके की डाल दी, ठीक है, तो अलग अलग दालों का पकने का समय अलग अलग होता है। यानी कि जब आंकड़ों में बहुत अधिक विविधता होती है तो आपको इस वाली विधि का प्रयोग करना पड़ता है जहाँ सघना विधि है, और जब आंकड़ों में बहुत अधिक विविधता नहीं होती बल्कि आंकड़े एक जैसे ही होते हैं तो आपके लिए सैंपल मेथड ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको सैंपल मेथड के, यानी कि ये जो निर्दर्श न्यायदर्श विधि है जिसको निर्दर्शन भी बोलते हैं, न्यायदर्श विधि भी बोलते हैं, मैं आपको न्यायदर्श विधि के और सघना विधि के कुछ गुण और दोष बता देता हूँ। तो बच्चों वापस हम अपनी सघना विधि पर आ जाते हैं, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ इस विधि में क्या किया जाता है। जनसंख्या की प्रत्येक मत से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या की प्रत्येक मत से आप आंकड़े इकट्ठे कर रहे हो, सभी से पूछ रहे हो, तो इसमें जो विश्वसनीयता होगी बच्चों वो ज़्यादा होगी, यानी कि ये आंकड़े जो हैं वो अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि जनसंख्या की प्रत्येक मत से ही हम आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। इसी तरीके से इसमें पक्षपात की संभावना कम होती है क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है, जो अनुसंधान करता है, वो ज़्यादा पक्षपात नहीं कर सकता क्योंकि पूरी की पूरी जनसंख्या ही आंकड़े इकट्ठे करने की आंकड़े दे रही है। इसके अलावा बच्चों विस्तृत सूचनाएँ मिल जाती हैं, अलग अलग प्रकार की सूचनाएँ मिल सकती हैं, ठीक है, क्योंकि सभी लोगों से आप बात कर रहे हो। इसके अलावा विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन, यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया कि जब आंकड़ों में अलग अलग विशेषताएं होती हैं तो आप इसको चुन के ही इन पर डिस्कर्स नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको सभी का चुनाव करना पड़ेगा। यानी कि इस विधि के माध्यम से आंकड़ों की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करना संभव है। बात करें बच्चों इस विधि के दोष की, तो यह विधि बहुत ही खर्चीली है क्योंकि आपको 2000 के 2000 स्टूडेंट से बात करना है जिसमें आपका समय, पैसा, धन ज्यादा लगेगा, तो यह विधि अधिक खर्चीली मानी जाती है। इसके अलावा जो विशाल विश्लेषण से संबंध नहीं होती, देखिए 2000 बच्चे तो आपको लग रहा है कि चलो पूछ लेंगे, लेकिन मान लीजिए किसी स्कूल में अगर बच्चों की संख्या 20,000 होती तब आप किस तरीके से पूछते, या मान लीजिए आपको केवल एक स्कूल में सर्वे नहीं करना होता बल्कि 1000 स्कूलों में सर्वे करना होता तब आप किस तरीके से इस विधि का यूज करते। तो ये विधि जो है ये जब एरिया बहुत जब अन्वेषण का, जब इन्वेस्टिगेशन का, जब विश्लेषण का जो एरिया है वो बहुत विशाल हो तब ये विधि किसी भी मायने में उपयुक्त नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इस विधि के लिए आपको के लिए आवश्यक है कि जो अनुसंधान का एरिया है वो बहुत छोटा हो, या विश्लेषण अन्वेषण का जो एरिया है वो बहुत छोटा हो। इसके अलावा अधिक समय लगता है जैसा कि हमने आपको बताया, और मानव शक्ति भी इसमें अधिक लगती है क्योंकि आपको हर बच्चे से बात करना है तो किसी कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता, इसलिए आपको बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा और बहुत सारा समय देना पड़ेगा, तब जाके ये विधि अच्छी मानी जाएगी। तो बच्चों मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये विधि अच्छी है, खासतौर पर तब जब आपको अधिक शुद्धता की आवश्यकता होती है, आपका एरिया जो है वो छोटा हो और साथ ही साथ आपकी जो आंकड़ों हैं उनमें अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। लेकिन यह विधि किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक विधि तो नहीं की जा सकती। तो अगर हम वैज्ञानिक विधि की बात करें बच्चों तो न्यायदर्श विधि है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2000 बच्चों में से पहले 100 बच्चों का चुनाव किया जाएगा, तो ये वैज्ञानिक विधि हो गई क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा अपने माइंड का यूज़ किया है, साइकोलॉजी का यूज़ किया है और भी कई तरीकों का यूज़ किया है। तो इस 100 स्टूडेंट में से जो डेटा निकलेगा वो पूरी की पूरी 2000 बच्चों पर लागू कर दिया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए 2000 बच्चे भूखे आते हैं तो मान लेंगे कि अर्थव्यवस्था में पूरे स्कूल में 100% बच्चे भूखे ही रहते हैं। मान लीजिए इन 100 बच्चों में से 20% बच्चों के पास खाना की उपलब्धता नहीं है, 80% खाना खा के आ रहे हैं, तो हम ये मान लेंगे कि पूरे स्कूल में 20% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिनके पास खाना नहीं है। तो ये बच्चों तरीका होता है इसका। तो इस विधि का सबसे अच्छा है कि आपको केवल 2000 लोगों से बात ना करके केवल 100 स्टूडेंट से ही बात करनी है तो कम खर्चीली हो गई। इसके अलावा समय की बचत होती है, मानव शक्ति का कम प्रयोग होता है, वो डेफिनेटली जब आप 2000 की जगह 100 लोगों से पूछोगे तो कम मानव शक्ति चाहिए होगी, कम खर्चीली होगी। इसके अलावा बच्चों जब 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 एरिया बहुत बड़ा हो, जब विशाल अन्वेषण का एरिया हो, जब आपको बहुत बड़े एरिया में आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, जब बहुत बड़े एरिया में आपको डेटा इकट्ठा करना है, तो विधि अच्छी मानी जाती है क्योंकि आप केवल 100 बच्चों से तो बात करनी है, अगर मान लीजिए 100 स्कूल भी हुए तो 10,000 बच्चे हुए, ठीक है, यानी कि उसके मुकाबले तो अच्छा है ना जो 2000 बच्चों से आप पूछोगे। इसके अलावा बच्चों ये विधि बहुत ही सुविधाजनक है, बहुत आसानी से, खासतौर पे जहाँ प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, प्रशासनिक जरूरतें होती हैं, वहाँ पे सरकार हर किसी से तो बात नहीं कर सकती, तो ये विधि जो प्रशासनिक फैसले होते हैं उसमें बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा बच्चों वैज्ञानिक विधि है जैसा कि हमने आपको बताया था। अब गुण की बात करें तो बच्चों इसमें तुलनात्मक रूप से शुद्धता कम होती है क्योंकि हो सकता है कि जो 200 बच्चों पर जो निष्कर्ष निकाला गया है वो 2000 बच्चों पर लागू ना हो। इसके अलावा बच्चों पक्षपात की संभावना अधिक होती है, यानी कि हो सकता है कि जिसने सैंपल चुने हैं वो गलत तरीके से व्यक्ति ने अपना पक्षपात दिखाया हो, उसने गलत लोगों को सैंपल चुन लिया हो। इसके अलावा बच्चों एक ही जो सैंपल चुनने की अनेक सारी विधियां हैं जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करना शुरू करेंगे,
तो कौन सी विधि का आपको चुनाव करना है, कई बार ये भी बड़ी समस्या होती है, यानी कि सैंपल का चुनाव करने में आपको कठिनाई आ सकती है। इसके अलावा बच्चों सैंपल का चुनाव करने में आपको विशिष्ट ज्ञान की जरूरत होती है, तो ये भी एक दिक्कत है, एक सांख्यिकी एरर है। तो बच्चों इस तरीके से हम ये तो नहीं कह सकते कि न्यायदर्श विधि अच्छी है या सैंपलिंग विधि अच्छी है, अलग अलग जरूरतों के हिसाब से हमें अलग अलग विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक बार आप यहाँ पे सैंपल विधि यानी कि न्यायदर्श विधि में और सेंसेस मेथड यानी कि सघना विधि में एक बार आप अंतर समझ लीजिए, जिससे कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आप अपनी साइड स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने आपको कुछ अंतर हैं जो हमने बताए हुए हैं। जैसे सबसे पहला अंतर का आधार है जांच की प्रकृति। तो सघना विधि जो है उसमें विस्तृत जांच की जा सकती है, क्योंकि जनसंख्या की प्रत्येक मत से अध्ययन किया जाता है, जबकि निर्देशन विधि में, इसको हम न्यायदर्श विधि भी बोलते हैं सैंपलिंग मेथड में, सीमित जांच की जाती है, क्योंकि जनसंख्या की केवल कुछ ही इकाइयों से अध्ययन किया जाता है। बात करें बच्चों मितव्ययता की, तो सघना विधि में अधिक धन लगता है, अधिक समय लगता है, अधिक श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए इस विधि को मितव्ययी तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन निर्देशन विधि तुलनात्मक रूप से अधिक मितव्ययी है, क्योंकि इसमें कम समय, कम धन, कम परिश्रम लगता है। उपयुक्तता की बात करें बच्चों, तो सघना विधि उस समय ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है जब जनसंख्या में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, और जब बहुत सारी विशेषताएं होती हैं तो आप किसी भी तरीके से निर्देशन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको सघना विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। निर्देशन विधि तब उपयुक्त मानी जाती है जब जनसंख्या में सजीवता हो, यानी कि अधिकतर विशेषता एक जैसी हो, तब आपको निर्देशन विधि का प्रयोग जो है उपयुक्त माना जाता है। विश्वसनीयता और शुद्धता की बात करें, तो बच्चों सघना विधि में जो, क्योंकि आप पूरी की पूरी जनसंख्या से डेटा इकट्ठा कर रहे हो, इसलिए अधिक विश्वसनीयता और अधिक शुद्धता जो है वो सघना विधि में होती है, जबकि न्यायदर्श विधि में तुलनात्मक रूप से कम शुद्धता होती है और कम विश्वसनीयता होती है। अगर त्रुटि की बात करें यानी कि एरर की बात करें, तो सघना विधि में केवल एकमात्र एरर होती है, वो होती है पक्षपात की। लेकिन निर्देशन विधि में पक्षपात की भी एरर हो सकती है, सैंपलिंग की भी एरर हो सकती है, और भी कई प्रकार की एरर इसमें हो सकती हैं। सघना और निरीक्षण की बात करें, तो सघना विधि में संगठन और निरीक्षण बहुत आसान होता है, बहुत कठिन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को करना होता है ना, बहुत सारे डेटा होते हैं, इसलिए उसका ऑर्गेनाइजेशन इंस्पेक्शन बहुत मुश्किल होता है। जबकि न्यायदर्श विधि सैंपलिंग विधि में जो हमारा संगठन है और निरीक्षण है वो तुलनात्मक रूप से आसान माना जाता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने आप बच्चों को सघना विधि में और न्यायदर्श विधि में, सघना मतलब सेंसिस मेथड में, न्यायदर्श या निर्देशन विधि का मतलब है सैंपलिंग मेथड में, हमने आपको अंतर बताया। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक यू।